हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आफ्टर इफेक्ट के अंदर वैलेंटाइन प्रोजेक्ट, जो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तो दोस्तों, पहले हम उस प्रोजेक्ट का डेमो देखते हैं, बाद में उसको कैसे एडिट करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डेमो। अब हम इसे कैसे एडिट करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए पहले हमको जो फोल्डर डाउनलोड हम करेंगे उस फोल्डर की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो इस फोल्डर की प्रॉपर्टी 160 MB की है, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा VNRR। आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट में जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये फोल्डर हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 353 MB की है, ठीक है। इस फोल्डर की प्रॉपर्टी है 350 MB की। तो ये हमारा फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब हम इसको एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए हमारे पास आफ्टर इफेक्ट 2019 या फिर 2020 दो में ये चलेगा। अगर आपके पास 2018 है या तो फिर 17 है तो उसके अंदर ये प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले आप 2019 या फिर 2020 को इंस्टॉल कर देना, तभी ये प्रोजेक्ट उसमें ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, हम पहले ओपन करेंगे आफ्टर इफेक्ट को। तो मैं यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ये मेरा आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया। फाइल में जाना है, ओपन प्रोजेक्ट, या तो फिर कंट्रोल ओ भी कर सकते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप में मैं जाऊँगा। ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, ठीक है। तो अब हमें इसको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर सब मैंने फोल्डर दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट हियर पे। यहाँ पर जाके आप टेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पर पेज डाले हुए हैं दोस्तों, वो सभी यहाँ पर सेट किए हुए हैं। तो यहाँ पर किसी भी, जैसे कि मेरे को ये वाला टेक्स्ट को एडिट करना है,
तो यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकोगे एक अलग से डायलॉग ओपन हो गया है, एक अलग से कंपोजिशन ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो बाय का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा एडिट बॉक्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर एडिट बॉक्स लिखा है। अगर आपका कोई भी दूसरा ना हो तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पर रॉयल रॉयल फोटो, ठीक है, रॉयल फोटो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, या तो फिर कीबोर्ड पे वी दबा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया इसको और यहाँ से मैं इसकी साइज कम कर दूंगा। फिर बाद में हम जाएंगे रेंडर फाइनल पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों मेरा यहाँ पर नाम है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइटल के किसी भी टाइटल पेज को एडिट कर सकते हो। अब हम दोस्तों फोटो को चेंज करेंगे, तो फोटो के लिए मैंने यहाँ पर फोटो का फोल्डर दिया हुआ है, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब हमको यहाँ पर देख लेना है, जैसे कि मेरे को ये वाला फोटो चेंज करना है, तो यहाँ पर मीडिया दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर इमेज वीडियो वन ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फोटो आ गया है। तो अभी मेरा दूसरा फोटो यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा, इम्पोर्ट में जाने के बाद फाइल पे क्लिक करूँगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पूरा डायलॉग ओपन हो जाएगा, तो जहाँ पर भी आपका फ़ोटो है वहाँ पर से आपका फ़ोटो ले लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो मैं इम्पोर्ट कर दूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ गया है, यहाँ पर लाके मैं यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो यहाँ पर रख दिया, या तो फिर आप नीचे भी डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जो पुराना वाला फ़ोटो था उसको मैंने डिलीट कर दिया है, यहाँ पर मैंने ये जो स्क्रीन है उसके हिसाब से इस फ़ोटो को सेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कॉर्नर में आपको क्लिक क्लिक करना है, क्लिक यानी वो क्लिक दबा के रखना है और शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के उसको छोटा कर देना है, जितना हमारा स्क्रीन है उतना। यहाँ पर क्लिक माउस के क्लिक को दबा के रखना है, शिफ्ट दबाना है, उस स्क्रीन के हिसाब से सेट कर देना है। तो मैंने ये फोटो को सेट कर दिया है। अब हम जाएंगे रेंडर फाइनल कंपोजिशन पे, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो फ़ोटो हमारा पुराना वाला था वो चेंज हो के हमारा जो नया वाला फ़ोटो है जो हमने लिया था वो यहाँ पर सेट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस आफ्टर इफेक्ट के अंदर किसी भी टाइटल और किसी भी फ़ोटो को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए हमको रेंडर फाइनल कंपोजिशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंपोजिशन में जाना है, कंपोजिशन में जाने के बाद ऐड टू रेंडर क्वेरी पे क्लिक करना है, या तो फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल एम भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये पूरा रेंडर क्वेरी यहाँ पर पूरा डायलॉग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर आउट मॉड्यूल लॉसलेस लिखा हुआ है, वहाँ पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा सेटिंग आ गया है। तो यहाँ पर ऑडियो आउटपुट ऑटो में ऑटो ही रखना है, यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर यही रखना है ऑडियो आउटपुट ऑटो, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर AVI आप रख सकते हो, या तो फिर क्यूब टाइम, कुछ भी आपके हिसाब से यहाँ पर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर AVI रखूँगा और दूसरा कोई सेटिंग आपको करना नहीं है, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद
यहाँ पर आउटपुट टू है, वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि आपको ये प्रोजेक्ट का रेंडर किया हुआ जो AVI है वो आपको कहाँ पर सेव करना है। तो दोस्तों मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो यहाँ पर मैंने डेमो 001001 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा रेंडरिंग का सेटिंग हो गया है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो रेंडर का बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जस्ट क्लिक ही करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो रेंडर हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर टाइटल को रेंडर करते हैं। दोस्तों ये टाइटल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने एडिटर दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप एडिट बॉक्स यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल है आइकॉन है उसे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जो नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद।